Hey guys, Shantanu here. So दोस्तों, I think अभी तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि BGMI यानी कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, ये गेम इंडिया पे दोबारा बैन हो सकती है। ये इसका जो बैन होने का मेन कारण है वो है कि BGMI गेम इंडियन डेटा को चाइना भेज रहा है। IGN नाम का एक रेपुटेड मीडिया कंपनी है जो कि सिचुएटेड है अमेरिका पे और इंडिया पे भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। इन्होंने एक रिपोर्ट के थ्रू प्रूफ के साथ बताया है कि BGMI गेम इंडियन डेटा को चाइना भेज रहा है। एक ऐप है डेटा पैकेट स्नाइपर, ये जो ऐप है ये एक्चुअल में IP एड्रेस को ट्रेस करने में काम करते हैं। तो इस ऐप के थ्रू IGN जो कंपनी है इन्होंने BGMI गेम का एक इडेंगल मैप का प्लेबैक किया और पूरा गेम चला के देखा। चलाने के बाद पीछे डेटा पैकेज स्नाइपर ये ऐप चल रहा था, मतलब IP एड्रेस को ट्रेस कर रहा था। उसी दौरान गेम चलने के बाद लास्ट में पता चला जो IP एड्रेस उन्होंने ट्रेस किया, इसका जो सर्वर है ये चीन पे है और मैक्सिमम सर्वर Tencent कंपनी का है। Tencent यानी कि पुराने वाला PUBG गेम का सर्वर, ठीक है। तो आपको मैं सर्वर का नाम भी बता देता हूँ। पहला जो सर्वर है वो है चाइना मोबाइल कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन। ये जो सर्वर है ये एक्चुअल में चाइना के बेजिंग नाम का एक प्लेस में लोकेटेड है। बेजिंग, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि बेजिंग चाइना के कैपिटल है, ठीक है। Tencent कंपनी का और तो सर्वर है जिसपे डेटा जा रहा था, उसका नाम ही बताना चाहता हूँ, क्यू क्लाउड एंड एंटी चीट एक्सपर्ट। ये दोनों सर्वर Tencent कंपनी का है और ये दोनों सर्वर पे भी दोस्तों डेटा जा रहा है। उसके साथ दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट का एजोरा नाम का एक सर्वर है, उसपे भी ये डेटा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन मुद्दे की बात आता है कि क्राफ्टन ने प्राइवेसी पॉलिसी में बताया था कि इंडिया का जो डेटा वगैरह होगा, इंडिया पे सर्वर होगा तो इंडिया का डेटा इंडिया पे ही रहेगा, बाहर कहीं नहीं जाएगा। तो ये क्या हो रहा है? आपकी जानकारी के लिए मैं और एक चीज बताना चाहता हूँ कि क्राफ्टन कंपनी के प्राइवेसी पॉलिसी में वहां पे साफ सुथरा ये लिखा था कि इंडियन डेटा को बाहर किसी भी कंट्री पे भेज सकते हैं लीगल कुछ काम के लिए, ठीक है। तो अगर ये लीगल कुछ काम के लिए बाहर भेजा जा रहा है तो यहाँ पे क्राफ्टन को सामने आके ये बताना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये IGN ने प्रूफ के साथ ये सब कुछ वायरल कर दिया है और अभी ये बहुत ही मतलब वायरल हो रहा है। लोग डर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो कि बहुत दिन से पेशेंस रखा था कि गेम आएगा और गेम आने के बाद ही ऐसा चालू हो गया। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि क्राफ्टन को सामने आती ये खुलकर बात करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग मेरा पर्सनल ओपिनियन चाहते हैं तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि गेम लॉन्च होने के पहले ही बैन का न्यूज आया था, ठीक है। तो मैंने एक वीडियो बनाया था और वीडियो में तीन रीजन बताया था कि ये जो गेम है ये किस लिए बैन हो सकता है, ठीक है। तो वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, उसके साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। पूरा वीडियो देखना है तो आपको पता चल जाएगा कि किस लिए बैन मतलब हो जाएगा, ऐसा न्यूज फैल रहा था, ठीक है। तो वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे गेम जब लॉन्च हुआ तो आप गौर से देखना, मतलब आप देख ही होंगे कि गेम जो है पूरा हुबहू एकदम PUBG वाला ही गेम है, 90% सेम टू सेम है, ठीक है। PUBG गेम में जब डिस्प्ले ओपन होता था तब Tencent लिखा हुआ आता था और BGMI में क्राफ्टन लिखा हुआ आ रहा है। इस टाइप का छोटा मोटा आपको चेंजेस मिलेगा, लेकिन 90% जो गेम है वो हुबहू सेम टू सेम है। तो मुझे कहीं पर लगता है कि ये जो गेम है BGMI, ये अगर अलग कोई गेम है, अगर इसको शुरू से बनाया गया है तो इस गेम पे आपको बहुत सारे मोड्स वगैरह होगा या बहुत सारी चीज होगा जो कि अलग होगा, ठीक है, जो अभी BGMI नहीं है, पुराने वाला PUBG टाइप का ही है। तो उसके साथ यहाँ पे पुराने वाला PUBG का ID को आप इसमें ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये वाला जो चीज है ये कहीं पर लगता है कि हाँ पुराने वाला PUBG गेम ही है ये, अगर नया गेम होता तो आई थिंक पुराने वाला ID को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। उसके साथ मुझे ये लग रहा है कि ये जो कम्युनिकेशन चल रहा है या जो सर्वर मतलब डेटा वगैरह जो लीक हो रहा है, डेटा जो भेजा जा रहा है, या क्राफ्टन जो Tencent कंपनी के साथ जो कम्युनिकेट कर रहा है, ये एक चीज हो सकता है कि ये कुछ लीगल काम के लिए तो हो ही सकता है। उसके साथ जो हो रहा है कि बहुत सारे पुराने वाला ID को Tencent से ले रहा है और इंडियन सर्वर पे जमा वगैरह कर रहा है, क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोगों को गेम नहीं मिला है, ठीक है। तो ये भी मुझे लग रहा है। लेकिन दोस्तों क्राफ्टन अगर सामने आके बात नहीं करते हैं तो दोस्तों एक चीज कंफर्म है कि इंडियन गवर्नमेंट इस गेम को बैन जरूर कर देगा, क्योंकि IT डिपार्टमेंट इस गेम के ऊपर जांच पड़ताल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात उठता है कि अगर डेटा लीक होता है तो बहुत सारे लोगों का तो मतलब यहाँ पे कहेंगे कि गेम को बैन कर दो, लेकिन यहाँ पे जो लोग बहुत दिन से तरस रहे थे गेम के लिए तो उनका भी सवाल है। तो यहाँ पे मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन चाहते हैं कि मैं किस तरफ हूँ, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि दोस्तों अगर डेटा लीक हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा कंट्री का सवाल है, तो बैन जरूर कर देना चाहिए। अदरवाइज क्राफ्टन अगर सामने की कुछ बता रहे हैं, लीगल कुछ बता रहे हैं, तो गेम चलना चाहिए, ठीक है। तो
यही था न्यूज दोस्तों। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, उसके साथ वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों, ठीक है। मैंने बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे देखा है, किसी ने भी इतना डिटेल्स में नहीं बताया, तो आप लोग अगर मेरे वीडियो से डिटेल्स में जान गए हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है। उसके साथ अगर वीडियो को समझ में कभी दिक्कत आती है नीचे कमेंट जरूर करना, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा। उसके साथ ऐसा करते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि सबको पता ही है कि यहाँ पे आपको टेक्नोलॉजी रिलेटेड सब कुछ मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर।